उसके बाद वो ताकतवर थे, वो बच गए जिनमें हमें इम्यूनिटी बनी, बॉडी उनके अगर लड़ने लगी तो बॉडी में क्षमता थी उसका। क्योंकि जो चौथा मूल मंत्र है वो हमारा ये है कि वैक्सीन, अगर हम टीका लगा देंगे तो देखिए बच्चों को हम पैदा होते लगा से जीरो डोज भी देते हैं ताकि बच्चे को टीबी ना हो, उसको पोलियो ना हो, उसके हेपेटाइटिस ना हो, जीरो डोज फर्स्ट डोज पैदा होते ही हम डिलीवरी को देते हैं। क्यों? ताकि बच्चे में उन बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाए। सेम बड़ों के लिए किया, तो बड़ों के लिए किया तो फिर ये देखा गया कि भाई अब ये थर्ड वेव के लिए कह रहे हैं कि अगर इसको घातक है, इसको बचाने का कोई भी तरीका है वो है कि हमारे जो 18 साल से ऊपर जो ब्रेस्ट है उन सबको वैक्सीनेट करते हैं, और वैक्सीनेट करेंगे तो ही हम बचेंगे। ये तथ्य फैक्ट है, बिल्कुल ये सच्ची। आप लोगों के लिए सेवाएं लेने के लिए और आपसे रूबरू करने के लिए मेरा मन, लेकिन उनको 5-10 मीटिंग लेनी है। आज जैसा कि आपको मालूम है हमारे पूरे हरियाणा में वैक्सीनेशन पे अच्छा जोर दिया जा रहा है, और स्पेशली सेकंड डोज पे स्पेशल जोर दिया जा रहा है ताकि एक बंदे को पहली डोज लगी तो सेकंड डोज लग जाए जिससे जिला प्रोटेक्टेड हो। और ये भी देखा गया है कि जिसको फर्स्ट डोज नहीं लगी है उनको हम अर्लीस्ट फर्स्ट डोज भी लगाएं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में केस निकल रहे हैं तो किसी को नहीं पता वो इंडिया में भी आ सकते हैं और हमारे हरियाणा में भी आ सकते हैं। तो उसको प्रोटेक्शन का एकमात्र तरीका है कि वैक्सीनेशन। और जहाँ तक वैक्सीनेशन जींद की बात हम करते हैं तो जींद ज़िले में वैक्सीनेशन अब थोड़ा सा प्रभावी ढंग से चलना शुरू हुआ है, जिसमें हम अब 74% के आसपास फर्स्ट डोज लगा चुके हैं, जो 26 का गैप अभी भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो जुलाना हमारा ब्लॉक है, इसमें हमारे जो जितने यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो अर्बन से हैं, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, हमारे पार्षद हैं और सभी जो यहाँ रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको आज मीटिंग ली है, तो मुझे इनसे बड़ी अच्छी अपेक्षा है और इन्होंने भी भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया है। तो हमारा एम ये है कि जल्दी से जल्दी हम आने वाले 15 दिन में सारी की सारी फर्स्ट डोज लगा पाएँ और एटलीस्ट 50% डोज जो सेकंड डोज लगा पाएँ दिसंबर के महीने तक। सर जैसे बात करें जुलाना की, जुलाना में कितने लोगों की दूसरी डोज पेंडिंग है? जुलाना की अगर बात करें तो हमारे 1,33,000 हमारा टारगेट्स हैं, तो जुलाना का है ब्लॉक का जो आबादी 1,90,000 के आसपास है, 70% इसका इतना बन जाता है, जिसमें फर्स्ट डोज जो लगी है वो पूरे ब्लॉक की है वो 91,000 लगी है, जिसमें 42,000 के आसपास अभी पेंडिंग है। तो इसी को सुधारू रूप से चलाने के लिए और आने वाले 2 हफ्ते के अंदर इसको 100% करने के लिए ही आज मेरा यहाँ आने का प्रोविजन रहा है। तो मेरे सभी डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ और यहाँ के SMO भी यहीं पे हैं और जो सीनियर जो यहाँ के जो लोग हैं जो इसमें सहयोग देते रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे अच्छा सहयोग देंगे। तो एम हमारा ये है कि हम जो हमारे जो मार्केट्स एरिया है जो शहर का, शहर में जो मार्केट एरिया है वो एरिया है, मंडी एरिया है, कुछ ऐसे एरिया हैं जो हमारे जो जिसमें लोग कहीं कहीं ज़्यादा लोगों का आवागमन भी बाहर रहता है और ये लोग कहीं रह ना जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल कैंप यहाँ लगाए जाएंगे आने वाले टाइम में। जो अभी पता लगा था कि 3 के करीब इनके सेशन लगते हैं तो उन सेशन को बढ़ाया जाएगा, तकरीबन 15 के आसपास सेशन करेंगे हम और एटलीस्ट लेके चलेंगे 10,000 के आसपास का टारगेट पर डे के हिसाब से, सो दैट आने वाले टाइम में हम इसको हफ्ते के अंदर फर्स्ट और सेकेंड डोज को कवर कर पाए। सर अभी हमारी से बात हुई है, जैसे हमने मीटिंग ली थी जुलाने के जो भी गणमान्य व्यक्ति उनको बुलाया था और बताया कि जैसे भी हमारी यहाँ कोवैक्सीन इसकी कोविड की वैक्सीनेशन की धीमी चल रही थी, अभी सुचारू रूप से चलने शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जनता को मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। घातक इन द सेंस कि स्प्रेड बड़ा फास्ट है, म्यूटेशन जो एक से अपना रूप बदलती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है, 50 रूप तब तक बदल चुकी है। और ये भी देखा गया कि इसमें सबसे पहले स्मेल जाती है, गन जाती है, उसी हिसाब से आ रहा है। कहने का मेरा भाव ये है कि ये इतनी फास्ट बढ़ती है तो हम क्या करें? ऑक्सीजन हमारे पास है, बेड हमारे पास है, मैन पावर लगने के लिए भी हमारे पास है, मास्क हमारे पास है और जो जितने आप बुद्धिजीवी बैठे हैं तो हम बताएं कि ना जरूर तो बाहर नहीं निकलते, जरूरी है तो ही जाते हैं, जाएंगे तो मास्क लगा के जाएंगे। लेकिन ये देखा गया है कि ये बिल्कुल एक तरफ से आंधी की तरह आई थी, जिसको कहते हैं सिंजी, जो आग लगती जैसे हम आग लगती है तो सब जुड़े जाते हैं, कुछ तकड़े होते हैं कुछ वो बच जाते हैं। और तकड़े की डेफिनेशन भी क्या है, पर जो झुलसे गए वो भी कौन थे, जिनको पहले बीमारी थी, कोई डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन था, कैंसर था, कुछ भी था।
उसके बाद जो ताकतवर थे वो बच गए, जिनमें हमें इम्यूनिटी बनी, बॉडी उनके अगर लड़ने लगी तो बॉडी में क्षमता थी उसके। क्योंकि जो चौथा मोर मंत्र है वो हमारा ये है कि वैक्सीन, अगर हम टीका लगा देंगे तो देखिए बच्चों को हम पैदा होते लगा से जीरो डोज भी देते हैं ताकि बच्चे को टीबी ना हो, उसको पोलियो ना हो, उसके हेपेटाइटिस ना हो, जीरो डोज फर्स्ट डोज पैदा होते ही हम डिलीवरी को देते हैं। क्यों? ताकि बच्चे में उन बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाए। सेम बड़ों के लिए किया, तो बड़ों के लिए किया तो फिर ये देखा गया कि भाई अब ये थर्ड वेव के लिए कह रहे हैं कि अगर इसको घातक है, इसको बचाने का कोई भी तरीका है वो है कि हमारे जो 18 साल से ऊपर जो ब्रेस्ट है उन सबको वैक्सीनेट करते हैं, और वैक्सीनेट करेंगे तो ही हम बचेंगे। ये तथ्य फैक्ट है, बिल्कुल ये सच्ची। आप लोगों को प्लीज